हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूनिक सोल्जर RRT में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि एक न्यू वैकेंसी के नोटिफिकेशन से संबंधित है, जो मैं वीडियो के थंबनेल में लगा रखा हूँ, जो कि आप देख ही चुके होंगे। दोस्तों वीडियो से शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूँ। और हाँ, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इंडियन एयर फोर्स यानी भारतीय वायुसेना द्वारा अप्रेंटिस के विभिन्न पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है। हम लोग सभी अर्हता योग्यता के बारे में जानेंगे कि इस प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए हमारे पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, फिर आते हैं आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, कुल पद कितने हैं, वेतन कितने मिलेंगे, तथा फॉर्म अप्लाई करने की अंतिम तिथि क्या होगी। तो हम दोस्तों इन्हीं सब पॉइंट्स के बारे में नोटिफिकेशन में देखेंगे और आपको जानकारी देने का कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग नोटिफिकेशन की ओर सीधे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो ज़रूरी अर्हता चाहिए। तो चलिए दोस्तों नोटिफिकेशन की ओर। तो ये है दोस्तों इंडियन एयर फोर्स यानी भारतीय वायुसेना का नोटिफिकेशन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ हम जूम करके देखते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसमें लिखा है कि इनवाइट्स इंडियन सिटीजन्स मेन एंड वुमेन टू अवेल द अपॉर्चुनिटी टू अंडरगो द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग टेक्निकल ट्रेड्स एट एयरफोर्स स्टेशन ओझार, रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू, आपको वेबसाइट दिया गया है, उसके द्वारा आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और क्लोज होगा ये दोस्तों ऑन 5 जनवरी 2023 को ये साइट बंद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग अब देखते हैं एलिजिबिलिटी। तो सबसे पहले है दोस्तों आपका, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि कैंडिडेट्स कैटेगरी, तो उसमें आपका दोस्तों जनरल ओबीसी एससी एसटी और का जो एज लिमिट दिया गया है, जैसे देख रहे होंगे दोस्तों जनरल के लिए 14 से 21 साल दिया हुआ है, ओबीसी के लिए 14 से 24 साल दिया हुआ है, एससी एसटी के लिए दोस्तों 14 से 26 साल दिया हुआ है। वहीं दोस्तों हाइट जो मिनिमम आपका होना चाहिए वो है दोस्तों 137 सेंटीमीटर, और दोस्तों वेट जो है वो है 25.4 kg, ये दोस्तों मिनिमम वेट होना चाहिए। ये था दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब दोस्तों आते हैं हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ओर। तो यहाँ आप 15 नंबर में देख पा रहे होंगे दोस्तों कि आपको 50% मार्क के साथ क्लास 10th पास करना जरूरी है। साथ ही दोस्तों आपके पास ITI का सर्टिफिकेट जो कि 65% से पास होना ज़रूरी है। उसके साथ ही आपका सर्टिफिकेट जो ITI का सर्टिफिकेट होगा वो NCVT से सर्टिफाइड होना चाहिए। अब सी नंबर में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, देख पाएंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ क्लास 12th इज डिज़ायरेबल, ये आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं, आगे आपको दिखाता हूँ दोस्तों स्टाइपेंड। दोस्तों भारत यहाँ जो आप ट्रेड अप्रेंटिस के लिए ज्वाइन करोगे आप, तो आपको वहाँ सैलरी नहीं स्टाइपेंड दिया जाएगा, जो है दोस्तों वो है आपका, चलिए देखते हैं स्टाइपेंड में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों ड्यूरिंग द कोर्स द कैंडिडेट विल बी पेड स्टाइपेंड, दोस्तों आपको कोर्स के दौरान स्टाइपेंड दिया जाएगा, वो है दोस्तों 8,855 रुपया पर मंथ आपको दिया जाएगा, जो भारत सरकार के रूल के अनुसार है। दोस्तों यहाँ लिखा है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज नोटिफिकेशन पेमेंट ऑफ स्टाइपेंड टू अप्रेंटिस, ये था दोस्तों भारत सरकार द्वारा जो अप्रेंटिस के जो स्टूडेंट हैं उनको दिया जाने वाला स्टाइपेंड। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में। दोस्तों वैकेंसी है वो है अलग अलग ट्रेड के अनुसार
अलग अलग ट्रेड के अनुसार अलग अलग वैकेंसीज दिया हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं मैकेनिस्ट, जो कि मैकेनिस्ट है जो कि 3 पोस्ट है। सीट मेटल के लिए 15 पोस्ट है, वेल्डर के लिए 4 पोस्ट है, और मैकेनिक रेडियो एंड रडार एयरक्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 13 पोस्ट हैं। वहीं दोस्तों आपका कारपेंटर के लिए 2 पोस्ट है, इलेक्ट्रिशियन एयरक्राफ्ट के लिए 33 पोस्ट है, और फिटर मैकेनिक, मैकेनिक टूल और मेंटेनेंस के लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा पोस्ट है वो है 38 पोस्ट है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे दोस्तों सभी टोटल जो वैकेंसीज है उसको मिला के आपका टोटल पोस्ट है वो है 108, मतलब 108 वैकेंसीज है। तो आप दोस्तों ये था दोस्तों वैकेंसी। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं, नीचे दिया हुआ है इम्पोर्टेंट डेट्स। दोस्तों लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का अंतिम तिथि है वो है दोस्तों आपका 5 जनवरी 2023। और दोस्तों यहाँ बहुत सारे डेट्स दिया हुआ है जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, तो उसी में है दोस्तों बी नंबर में आपका दिया हुआ है रिटेन एंड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, जो कि 24 फरवरी 2023 से 1 मार्च 2023 तक चलेगा। और वहीं दोस्तों सी नंबर में आप देख पा रहे होंगे डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, दोस्तों आपका एग्ज़ाम के बाद मेरिट लिस्ट जारी होगा, वो भी आपको डेट दे दिया गया है, वो है दोस्तों 3 मार्च 2023। उसके बाद है दोस्तों डी नंबर में आपका है दोस्तों कोर्स कमेंसमेंट डेट, जो कि दोस्तों आपका मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको 3 अप्रैल 2023 यानी मंडे को आपको ज्वाइन करवा लिया जाएगा। यहाँ दोस्तों आप देख पा रहे होंगे सारे डेट्स दिए हुए हैं, मतलब कि दोस्तों आपका एग्ज़ाम एकदम टाइम से हो जाएगा इस, और आप ज्वाइन भी कर पाओगे, समय से ज्वाइन भी कर लोगे। उसके बाद है दोस्तों मेडिकल एग्जामिनेशन, दोस्तों मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपसे लिया जाए, तो चलिए देखते हैं इस पर क्या लिखा हुआ है। दोस्तों ऑल कैंडिडेट्स आर टू बी इन पोजीशन ऑफ अ वैलिड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशू बाय अ मेडिकल ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एन असिस्टेंट सर्जन गेजेटेड सिलेक्टेड कैंडिडेट हु आर मेडिकली फिट शैल बी इशू को लेटर टू ज्वाइन द ट्रेनिंग। तो दोस्तों आपका जो जब मेरिट लिस्ट आ जाएगा आपका नाम, तो आपको मेडिकली फ़िट भी होना बहुत ज़रूरी है, तो ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है दोस्तों वो आपको गैजेटेड ऑफिसर, मिनिमम आपका सर्जन असिस्टेंट सर्जन होते हैं उससे आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूरी है, तभी आपको ज्वाइन करवाया जाएगा। ये था दोस्तों आपको सारे क्राइटेरियाज जो कि आपको फुलफिल करना होगा, तब जाके आपका ज्वाइन हो पाएगा, जिसे हम लोगों ने बात किया दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वैकेंसीज और इम्पोर्टेंट डेट्स और मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे इन्फॉर्मेशन से आप संतुष्ट होंगे, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं ऐसे ही नए नए वीडियोज़ आप लोग के लिए वैकेंसी से रिलेटेड लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।